पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड जोरदार तालियों से हम विधायक महोदय के इस गोड़ा क्षेत्रवासियों के तरफ से आदरणीय डीएफओ मैम के लिए जोरदार तालियों का धन्यवाद। झारखंड सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर झारखंड सरकार के विकास के कार्यों का अनुमोदन करने से गुजारिश करूंगा कि आज के इस 74वें वन महोत्सव में अपना अनुभव और अपना आशीष हम सबों को प्रदान वासी है। वो 2 किलोमीटर दूर से ही आते हुए हाथी को देख सकते हैं इस टॉर्च की रोशनी में, और उन्हें भगाने के लिए ये पटाखे जो जमशेदपुर वन प्रमंडल की तरफ से जल में तो हम 2 दिन जी लेंगे, लेकिन ऑक्सीजन 5 मिनट 10 मिनट चला, उसका उदाहरण हमारे विधायक जी ने दे चुका। इसलिए आज जंगल अति महत्वपूर्ण है, और आप लोग भी इसको कवर करने के लिए उतना दूर से चल के आए हैं, प्रिंट मीडिया आप लोगों में धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम जब भी हो बढ़ चढ़ के लिए, क्योंकि आप लोग भी हम इन लोग का तरह घूमते रहते हैं, पेड़ का महत्व को सभी लोगों को जिम्मेवारी के साथ समझाना है। और हम देखें महज 1-1.5 साल लगता पेड़ खड़ा हो जाए, 1 से 1.5 साल लगता पेड़ खड़ा हो जाए, और फिर वो अपना ऑक्सीजन देने का काम करता है। लेकिन आज हमको इसको और बेहतर ढंग से कैसे कर पाए, लोगों को कैसे जगह, ऐसी बात सही है कि आदिवासी का एक एक चीज जो है, आदिवासी हम लोग झारखंड वाले मूलवासी, जंगल से हर पूजा पाठ जुड़ा हुआ है, और हम इसके बगैर नहीं रह सकते, सवेरे उठेंगे तो शॉपिंग चाहिए। 7-8 साल से हाथी का प्रकोप और तांडव इस क्षेत्र में है, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हाथी कहीं नहीं रोक रहा, भड़ाकुड़ा क्यों आ रहा, भड़ाकुड़ा का जंगल में क्यों आता है, ये बहुत सारे बातें इस तर्क में हम नहीं जाना चाहते। लेकिन हाथी अगर हम अपना घर को सोचते हैं कि ये मेरा सुरक्षित जगह है, घर से जब जंगल जाते हैं लगता है कि हमारा असुरक्षित है, हाथी जंगल से अगर गांव की तरफ आता है बाहर निकलता तो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि हाथी का आवास निवास जंगल है। हम लोग जंगल को काट रहे हैं जिसके चलते हाथी को खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, जिसके चलते ये तांडव मेला चल रहा है। हम कई ऑप्शन उस दिन भी आप लोगों को बताए हैं, उस ऑप्शन पे हम जाएंगे, हम विधानसभा में बात करें, दादा भी संसद में अपना बात को उठाएंगे, और हाथी से संपूर्ण रूप से हाथी को भगाना नहीं, हाथी भी रहे मानव भी रहे और सुरक्षित रहे, जान माल का सुरक्षा हो। अगर दलमा पहाड़ में हाथी का जो जरूरत है, जैसा केला का बांस का इस तरह का प्लांटेशन करवा देंगे हम, बीज बीज में जलाशय कर देंगे, सारे हाथी का अगर खेदर के उधर ले जाने का प्रयास करेंगे तो एक उपचार हो सकता है कि दलमा से हाथी बाहर नहीं आएंगे। अन्यथा जो भी प्रभावित क्षेत्र हाथी का है, 30-40 गांव, उस क्षेत्र का जंगल के किनारे हम लोग फेंस कटवा देंगे, 1-2 रास्ता कर देंगे, और वहाँ पर केला का बांस का पेड़ और कुछ जलाशय अगर कर देंगे तो निश्चित रूप से हाथी भी रहेगा, जंगल भी रहेगा, इंसान भी रहेगा, और एक दूसरे का समन्वय करके इस दुनिया को आगे बढ़ाने।